ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇਂ ₹15 लाख डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आया कैसे तो 15 लाख वो तो पहले भी कट के ले गए, कुछ अफानी ले गया, कोई और ले गया, मुल्क का बेना गर्क करके रखता है। फिर पता की कहना भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने पर 100 दिन के भीतर 100 दिन के भीतर काला धन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। काला धन तो नहीं आया, वो 3 काले कानून लेके आ गया। जे तुसी कितने कट्ठे ना होते ना, ये मोदी ने 3 काले कानून लागू कर देने से फिर तेने हिटलर बन जाना सी, जो कुछ मर्जी करता है। अच जे किसी किसान दे नाल भारत का हर एक नागरिक खड़ा ना होंदा ना, हुण मोदी साडे नाल सच डंडा दे दिंदा कल्ले कल्ले ने। ए जे भारत के संविधान ने हक दिता ता तुसी दिल्ली खड़े होए नहीं उठे तुसी खड़ जांदे। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुर्बानी आ, जिन्हें 4 बच्चे बिना कफन तो तोड़ते घर वाली 27 मई 1935 बिना दवाई तो तुरकी इतने बैठे हैं। नहीं सानू किने पुछना सी, साडे पुरबज कदे स्कूल ही नहीं गए, पढ़ लिख के कोई अफसर ही नहीं बनिया। 1947 तो पहला जे कितने राणी दे पेटों मुंडा हो गया वो राजा बन जाता सी, जिवें महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराजा प्रदमन सिंह, महाराजा भुपिंदर सिंह, ये राणियों के पेटों चो पैदा हुए राहे राजे सीगे। 562 रियासतां सीगियां भारत के अंदर, जे जे इन्हां रियासतां का भोग पाया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाया। उन्हें की लिखिया कि राणी मुंडा तो पैदा कर सकती है पर राजा नहीं पैदा कर सकती, राजा तुहाडी वोट दे नाल पैदा हो, जिन्हां दीआं वोटां वध होणगीआं भावें भिखारी राजा पैदा हो सकता। इत्थे जिहड़ा राजा वो भिखारी बन सकता, किवें? महाराजा दा मुंडा कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 वारी तुसीं राजा बनाया, जदों लाता अज डंडे बजाउंदा फिरदा, कुछ लूट नहीं मारता। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहला तो आपां तरसदे सी वी मुख्यमंत्री अज आऊ, हुण राजा कहिंदा मैनूं कोई सत ले किहदे घरे आवां, हुण उहनूं कोई बुलाउंदा नहीं। देखो वोट की पावर किड्डी है, तुहाडी वोट तुहाडी उंगली दिल्ली दी कुर्सी पुट्ठी करदी है, तुहाडी वोट चंडीगढ़ दी मुख्यमंत्री दी एक पुट्ठी कुर्सी पुट्ठी करदी है। यह वोट ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਵੋਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਨੋ ਔਰ ਭਾਈਓ 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं पूछता जनता पार्टी के लीडर प्रधानमंत्री नो जा 20 करोड़ नौकरी दिखा दे, 20 करोड़ मेरी भी वोट ले, 20 करोड़ इस वे सारिया जिन्ने महकमे ने सारिया के पोस्टा खाली कितने खड़े हो, जागो जे जागोगे मसले ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ ਨਾ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, 24 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਦੇ ਦੂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
मेरा नाम लॉरेंस चौधरी है, मैं क्रिश्चियन नेशनल फंड का राष्ट्रीय प्रधान हूं। एक्चुअली जिहड़ा अज दा इह धरना है, असीं इह पूरे पंजाब दे विच इक प्रोग्राम दिता है कि जिहड़ियां आजादी तो बाद साडियां लंबित मंगां ने, जिस तरह कब्रस्तानां लई जिहड़ी जमीन अलाट की जाए, सैकंडली जिहड़ी आ साडी 1956 दे विच क्रिश्चियन रेजीमेंट तोड़ दित्ती गई उहनूं बहाल किया जाए, थर्ड हैगा कि जिहड़े मिनोरिटी दे स्टूडेंट्स दे जिहड़े स्कॉलरशिप ने उन्हां विच वाधा किया जाए, तो जिहड़े बंद कर दित्ते बीजेपी ने डिस्क्रिमीनेशन पॉलिसी दे तहत उहनां नूं मुड़ चालू किया जाए, फोर्थ हैगा कि जिस तरह बाकी साडे भाईचारे मुस्लिम भाईचारे में एक पैकेज वीजा पैकेज दिता जाता, जरूशलम सऊदी अरब मक्के जाने का और पाकिस्तान स्थित गुरधामा जाने का, उस तरह असं चाहते हैं कि सानू भी जरूशलम जाने का इजराइल जाने का जोड़ा आ मसीह भाईचारे को जोड़ा पैकेज दिता जाए। और फोर्थ हैगा कि जेडे साडी जेडे क्रिश्चियनज ने यह भी वंच शोषित लोगों के बच्चों परिवारों के बच्चों लोग ने और 5000 साल पहला इन्हों भी उस सिस्टम के बच्चे रहे ने, तो इन्हों भी बच्चों की जोड़े पढ़े लिखे उन्होंने 5% कोटा दिता जाए ताकि नौकरियां कर सकन। यह प्रोग्राम जोड़ा सी 11 तो लैके 1:30 बजे का प्रोग्राम सेगा, सो असी अपने प्रोग्राम के मुताबिक जोड़ा अपना धरना ला दिता और असी अपन दो मंग पत्र ही दे रहे हैं, एक स्टेट न रिलेटड जोड़े इशू ने CM के नाते दे रहे हैं, जिहड़े साडे जिहड़े आ सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटड वो प्राइम मिनिस्टर नाम के मंग पत्र दे रहे हैं, अभी दोनों मंग पत्र अज डिप्टी कमिश्नर बठिंडा हैड ओवर कर रहे हैं। और इतने एक मैं गल क्लीयर कर देना चाहना कि असी 11वां इतने धरना से बठिंडे का, मालवे के बाकी 10 जिलों के लग चुके और अगों कंटिन्यू आ माझे और दुआबे भी लग पूरे हो जाएंगे जे सरकार ने इशू ना किए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो असी फिर पहला मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ स्थित कोठी का घराव करेंगे, गिनती दे तो बाद दिल्ली जाके प्रधानमंत्री कोठी का घराव करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच जी, तुम सारे आए।